थाना गोवर्धन के राधाकुंड बाईपास क्षेत्र में बन रहे नवागत तहसील भवन के समीप खेत की देखभाल कर रही महिला से शराबियों ने की गाली गलौज। वहीं महिला द्वारा विरोध करने पर अश्लील हरकत करने लगे शराबी। वहीं सूचना पर पहुंची परिजनों ने एक आरोपी को पकड़कर मजामत कर दी, जबकि दो अन्य आरोपी फरार हो गए। पीड़िता ने 3 मंजिलों के खिलाफ थाना गोवर्धन में तहरीर दी है। मंगलवार को महिला अपनी बेटी के साथ खेत की देखभाल करने राधाकुंड बाईपास मार्ग स्थित नवनिर्मित भवन पर गई थी। आरोप है कि गांव के ही 3 युवक खेत पर शराब पी रहे थे। महिला ने उन्हें वहां से जाने को कहा तो गाली गलौज करते हुए अश्लील हरकत करने लगे। इसकी सूचना पर महिला के परिजनों सहित ग्रामीण पहुंच गए और एक आरोपी हत्थे चढ़ गया, जिसकी मजामत कर पुलिस के सौंप दिया। पीड़िता महिला ने बताया कि 3 युवकों ने शराब के नशे में गाली गलौज करते हुए पैंट उतारकर नग्न हो गए। थाने में तहरीर दी है। वहीं थाना अध्यक्ष नितिन कसाना ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई थी तुम्हारे साथ? हम खेत पर गए, अपने पे अपने गैया ने भगावे, हमारे खेत पे डेली गैया आने 3 बजे की, तो ये हमारे खेत के इंजन के पास दारू पी रहे हैं, समोसा खा रहे खा रहे। हमने राजी थे भाई साहब हमारे खेत पर से चले जाओ, हमें हमारे खेत में मत आया करो। तो ये पहले तो इन्हें गाड़ी गलौज गई है, फिर मैंने फ़ोन करे घर के इनसे, क्योंकि ऐसे बात है गाड़ी दे रहे हैं। तो फिर इतने इतने इन्हें मेरे कपड़ा वपड़ा खींचने लग गए, लाली से बदतमीज घर में लग गए। कौन लोग थे ये 3 जने लड़का है? नाम क्या है? नाम क्या है? नाम मदन गढ़िया को एक, और एक वहाँ को दीन बंधु, बंधु को, और एक दीमान का लड़का, दीमान का, एक दीमान का, एक उसका ये मदन का, और एक लड़का और है जगदीश का। जगदीश को जगदीश, क्या मामला है? पूरा मामला ये, हमारी बहू और लड़की खेत पर गई थी अपने धानों पे, मतलब गैया और उनको देखने के लिए, और वहाँ जा कर के इनको मतलब दारू पी करके 3 लड़के वहाँ और नंगे नाचते हुए मिले। इनने कि हमारे यहाँ दारू नहीं पीना, तुम अपनी कहीं जा कर पियो, तो इनसे बदतमीजी से पेशने लग गए और मतलब इसकी इनकी खेचतानी करने लग गए कि हम तो ऐसे ही पियेंगे, बुला लो किसी को। पुलिस में कंप्लेंट कर दी आपने? पुलिस में कंप्लेंट करी, अभी नहीं करी, अभी पुलिस 112 पे कंप्लेंट कर चुके हैं, 112 पे कंप्लेंट कर चुके हैं, 112 आने वाली है, और जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ।